व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक ऑन अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक माँ की है जिसकी बेटी एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाती है और उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ऐसा काम करना होगा जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं 2019 में नेटफ्लिक्स पर आई क्राइम मिस्ट्री कहानी जिसका नाम है रैटल स्नेक। कहानी की शुरुआत होती है और हम डिजर्ट से निकलने वाले हाईवे से जाती हुई एक कार को देखते हैं जिसको ड्राइव करने वाली औरत का नाम है कैटरीन रिजवे और वो अपनी बेटी क्लारा के साथ टेक्सस शहर जा रही है। हम जान पाते हैं कि कैटरीना और उसके हस्बैंड एक दूसरे के साथ नहीं रहते। यहाँ पर दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ कैटरीना के चेहरे पर हमें डर भी देखने को मिलता है क्योंकि वो इससे परेशान में होती है। इसके बाद वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ लंच करने के बाद फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में शॉर्टकट रास्ते की तलाश करने के लिए कैटरीना GPS ऑन कर देती है ताकि वो जल्दी से जल्दी टेक्सस पहुंच सके और GPS नेविगेशन से उसे पता चलता है कि आगे आने वाले रास्ते में हैवी ट्रैफिक लगा हुआ है। हालांकि बाकी सभी गाड़ियां बिल्कुल सीधे जा रही होती है, लेकिन ट्रैफिक से बचने के लिए और शॉर्टकट लेने के चक्कर में कैटरीना कार को राइट में टर्न करके आगे की तरफ निकल जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो नोटिस करती है कि ये रूट बहुत ज़्यादा सुनसान है और उसे कोई दूसरी गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। वो ये सारी चीजें इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। तभी उसके मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है। यहाँ पर उसे कार का टायर चेंज करना नहीं आता और चारों तरफ उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है और इसीलिए वो खुद ही जैसे तैसे करके टायर को बदलने की कोशिश में लग जाती है। तो वहीं क्लारा उसके पास खेल रही होती है। जब कैटरीना अकेले टायर को बदल नहीं पाती तो वो मदद के लिए क्लारा को बुलाती है और जब क्लारा उसके पास आती है तो वो देखती है कि उसके पाँव पर एक रैटल स्नेक ने काट लिया है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कैटरीना भागकर उसके पास आती है और घाव को चेक करती है तो वो देखती है कि वो घाव नॉर्मल से बहुत ज़्यादा गहरा है। क्लारा की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और कैटरीना को समझ नहीं आता कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे। वो क्लारा को उठाकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है तब अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे बने हुए मोटर होम पर पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ देर पहले वहां कोई घर तो क्या कोई इंसान का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन क्लारा को बचाने के लिए वो इस बारे में नहीं सोचती और भागते हुए वहां पर चली जाती है। वो इसके मालिक को आवाज लगाकर बुलाती है तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस लेडी आकर खड़ी हो जाती है। कैटरीना उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है। वो लेडी कहती है कि मैं रैटल स्नेक के जहर का इमरजेंसी ट्रीटमेंट जानती हूँ। जब तक मैं क्लारा का इलाज कर रही हूँ तब तक तुम जल्दी से गाड़ी का टायर चेंज करके यहाँ पर आ जाओ ताकि क्लारा को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। अब ज्यादा समय वो कैटरीना को कहती है कि तुम्हें इस मदद के लिए बाद में कर्ज देना पड़ेगा। पहले तो कैटरीना सोचती है कि ये किस कर्ज की बात कर रही है, लेकिन फिर वो इसके बारे में सोचे बिना जल्दी से गाड़ी के पास चली जाती है। कार का टायर चेंज करके थोड़ी देर में वापस उस मोटर होम के पास आ जाती है। अंदर आने पर वो देखती है कि क्लारा की हालत अब ठीक हो चुकी है और उसके पैर पर रैटल स्नेक की बाइट का घाव भी बिल्कुल गायब हो चुका है जो कि बहुत ही अजीब था। कैटरीना शॉक रह जाती है क्योंकि इतना गहरा जख्म थोड़ी देर में गायब होना तो इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही उसे कहीं पर वो मिस्टीरियस लेडी दिखाई नहीं देती। अब उसकी बेटी ठीक हो गई थी इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे जल्दी से पास के शहर टूलिया जाती है। वहाँ के हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा देती है। वहाँ कैटरीना डॉक्टर को सब कुछ बताती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि क्लारा तो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी सांप ने नहीं काटा बल्कि ज़्यादा गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जब कैटरीना डॉक्टर को रैटल स्नेक की बाइट के बारे में बताती है, उल्टा कैटरीना के ऊपर ही शक करने लगते हैं कि कहीं वो ड्रग्स के नशे में तो नहीं है। फिर वो कैटरीना का चेकअप भी करते हैं तो पता चलता है कि टेंशन के कारण उसका BP बढ़ गया और इसी वजह से वो इन चीज़ों को इमेजिन करने लगी है। लेकिन वो अपनी बातों पर अड़ी रहती है और कहती है कि एक मिस्टीरियस लेडी ने क्लारा के पैर पर काटे गए स्नेक के घाव को ठीक कर दिया। इस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर उसे सच में किसी स्नेक ने काटा होता तो वो अब कब का मर चुकी होती क्योंकि रैटल स्नेक के काटे जाने पर उसका कोई इलाज है ही नहीं। जाते समय डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं और क्लारा को अगले दिन डिस्चार्ज करने की बात भी बताते हैं। ये सारी घटनाएं कैटरीना को समझ नहीं आ रही थी। उसे खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं वो एक सपना तो नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि आसपास का समय रुक गया है और थोड़ी देर आराम करने के बाद कैटरीना जब उठती है तो वो देखती है कि उसके रूम में अचानक से एक आदमी आ गया। वो कहता है कि क्लारा को बचाने के बदले आपको जो कर्ज है उसे चुकाना होगा, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ मैं।
अब इस पर कैटरीना कहती है कि उसकी बच्ची ऑलरेडी इंश्योरेंस से कवर है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमने जो तुम्हारी बेटी की जान को बख्शा है उसके लिए तुम्हें उसका कर्ज चुकाने के लिए एक आत्मा के बदले दूसरी आत्मा का बलिदान देना होगा, और वो भी किसी इंसान की आत्मा का। इसके लिए उसके पास सूरज डूबने तक का समय है और सनसेट होने में सिर्फ 7 घंटे बाकी हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो क्लारा की हालत फिर से वैसी हो जाएगी और वो उसकी बेटी की आत्मा को वापस ले जाएंगे। कैटरीना को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि वो आदमी उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उस आदमी को बाहर भेजने के लिए सिक्योरिटी बुलाने की धमकी देती है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं चला जाऊँगा, पर एक बार तुम अपनी बेटी को तो देख लो। कैटरीना देखती है कि क्लारा का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे हॉस्पिटल का सारा स्टाफ वहां आ जाता है। डॉक्टर देखते हैं कि क्लारा की हालत बिल्कुल ठीक है और कैटरीना को भी वो आदमी कहीं पर दिखाई नहीं देता। अब कैटरीना को कुछ समझ नहीं आता और इसलिए वो उसी जगह पर वापस जाती है जहाँ इस सब की शुरुआत हुई थी। वहाँ उसे अपनी गाड़ी का पंचर हुआ टायर भी मिल जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी वो कैरावैन और उसमें रहने वाली वो मिस्टीरियस लेडी दिखाई नहीं देती। तभी उसकी गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा ट्रेलर आकर रुकता है। कैटरीना कहती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे मदद नहीं चाहिए, लेकिन उस ट्रेलर से एक आदमी बाहर आता है और वो हाथ में रॉड लेकर भागते हुए कैटरीना के पास आता है। उसकी आंखों और बॉडी पर गोली चलने के निशान थे। वो कैटरीना से कहता है कि तुम्हारे पास क्लारा को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ। तभी वहां से एक रैटल स्नेक गुजरता है और जैसे ही कैटरीना वापस देखती है, वो ट्रेलर और वो आदमी दोनों गायब हो जाते हैं। इस पर वो घबरा जाती है और वापस तूलिया शहर आती है और इंटरनेट पर इस शहर के मरने वाले लोगों के बारे में सर्च करने लगती है। उसे बहुत सारे मिस्टीरियस क्राइम केसेस और ब्रूटल खून के बारे में पता चलता है, जैसे कि उसी ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर। कैटरीना जिस किसी भी मर्डर और क्राइम सीन की फोटो चेक करती है तो उनमें वही मिस्टीरियस शेडो वाली लेडी दिखाई देती है। यहाँ पर उसे यह भी पता चलता है कि जो इंसान हॉस्पिटल में उसे कर्ज चुकाने के बारे में बात करने आया था वो एक लॉयर था और उसे एक स्कूल टीचर ने मारा था। मरते समय वो टीचर आत्मा के बदले में आत्मा की बात कर रहा था, यानी कि कैटरीना के साथ जो हो रहा है वो सब इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। ये सब देखने के बाद कैटरीना को समझ आता है कि अगर उसे क्लारा को बचाना है तो किसी न किसी को मारना ही होगा, और इसीलिए वो होटल में एक रूम लेती है और प्लान बनाती है कि उसे किसको मारना है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाकर एक पेशेंट को ढूंढती है जो बहुत ही जल्दी मरने वाला हो। वहाँ उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिसकी हालत बहुत सीरियस है। तब उस आदमी के करीब जाने के लिए कैटरीना उसकी बेटी लॉरेन से बात करती है और उसे दोस्ती कर लेती है। लॉरेन कैटरीना को अपने फादर से मिलाने के लिए उनके पास ले जाती है, लेकिन वो इस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। तभी लॉरेन के पास एक कॉल आती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन को हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उन्हें लेने के लिए नीचे चली जाती है। कैटरीना भी उसके साथ साथ जाने लगती है। जैसे ही वो लड़की आगे चली जाती है, तब कैटरीना वापस उसके फादर के रूम में आती है और एक पिलो से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी को मारने की हिम्मत जुटा नहीं पाती, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। वो बहुत देर तक उन लोगों के जाने का इंतजार करती, लेकिन बहुत देर होने पर वो लोग वहां से नहीं जाते। अब सनसेट होने में बहुत कम समय देखते हुए कैटरीना बाहर निकलती है तो सब उसे घूरने लगते हैं। कैटरीना लॉरेन को कहती है कि वो तो बस वॉशरूम यूज कर रही थी। तभी उस बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है और ये देखकर कैटरीना बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ से एक अच्छा शिकार बच निकला। अब वो परेशान होकर बाहर चली जाती है और जब वो सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठी होती है, तब उसके पास एक छोटा बच्चा आता है। वो इशारे में उसे बताता है कि उसके पास कम समय बचा है। फिर वो लड़का कार के शीशे पर अपना सर मारने लगता है, जिसे डर कर कैटरीना अचानक से कार से बाहर आ जाती है। वहाँ आसपास के लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और कैटरीना उठकर देखती है कि वो लड़का गायब हो गया, मतलब कोई अनजान शक्ति इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। इसके बाद कैटरीना बार में जाकर शराब पीती है, तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठती है जिसका नाम एबी होता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। फिर उसका हस्बैंड बिली भी वहाँ आता है और वो एबी को ले जाता है। उन दोनों की बातों से पता चल रहा था कि बिली अपनी बीवी को डरा धमका कर रखता है। कैटरीना को बारटेंडर से पता चलता है कि ये दोनों इस शहर में रहते हैं। अब बाहर जाने पर उसे एक मिसिंग लड़के का पोस्टर दिखाई देता है, जो कि वही लड़का होता है जो गाड़ी पर अपना सर मार रहा था। इसके बाद वो बिली और एबी का पीछा करते हुए उनके घर जाती है और घर का एड्रेस याद कर लेती है। फिर वो आगे जाकर कार के सामान से हथियार ढूंढने लगती है जिसको किसी से मारा जा सके, लेकिन उसकी कार में प्लास्टिक के चाकू के अलावा कोई भी हथियार नहीं था। तभी कैटरीना को अपने पीछे एक प्रीस दिखता है, उसे वक्त के बारे में वार्निंग देता है और बंदूक का इशारा करके वो जल कर राख हो जाता है।
अब कैटरीना एक आर्मर शॉप पर जाती है और बंदूक देती है, लेकिन लाइसेंस ना होने की वजह से वो शॉपकीपर उसे गन देने से मना कर देता है। कैटरीना कहती है कि मेरी और मेरी बेटी की जान खतरे में और इसीलिए मुझे सेल्फ डिफेंस में गन चाहिए। वो आदमी उसे गन तो नहीं देता, लेकिन एक ऐसे आदमी का पता बताता है जो बिना लाइसेंस के इलीगली गन बेचता है। कैटरीना उस आदमी के पास जाकर गन खरीद लेती है। उस आदमी को कैटरीना के चेहरे से समझ आ जाता है कि वो किसी बेगुनाह आदमी को मारने के लिए जा रही है, इसलिए वो निकलती समय कैटरीना से पूछता है कि क्या उस आदमी का जुल्म इतना बड़ा है कि तुम्हें उसे मारने की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ कैटरीना बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है और एक सुनसान जगह पर जाकर YouTube वीडियो देखकर गन चलाना सीख लेती है। अब यहाँ से वो सीधा बिली के घर जाती है और वो दीवार कूदकर घर के अंदर चली जाती है। वहां वो डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मौका देखकर वो बिली के कमरे में अलमारी में छुप जाती है। कैटरीना देखती है कि बिली अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहा है और उन दोनों को वहां से चले जाने के बाद कैटरीना धीरे से बाहर आती है और हॉल में जाने पर वो देखती है कि बिली टीवी देख रहा है और साथ ही उसने अपनी वाइफ को पनिशमेंट देकर खड़ा किया हुआ। अब कैटरीना बिली को गन पॉइंट पर रखकर अपने साथ कार में चलने के लिए कहती है। बिली उसे देखकर उसकी आवाज़ सुनकर समझ जाता है और इसीलिए वो बिना डरे अपनी कार में बैठ कर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। बिली कार चला रहा था और कैटरीना ने पीछे वाली सीट पर लेटे हुए बिली की तरफ गन पॉइंट कर रखी थी और फिर वो मोबाइल में लोकेशन देखकर बिली को एक सुनसान जगह पर ले जाती है। उस इलाके में दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। वहां पहुंचने पर कैटरीना बिली से गाड़ी का इंजन बंद करने के लिए बिना होशियारी दिखाए चुपचाप बाहर निकलने को कहती है। बिली कहता है कि अगर मैं गाड़ी से बाहर निकला तो तुम मुझे गोली मार दोगी। कैटरीना उससे कहती है कि जल्दी से बाहर निकलो। तभी बिली रोने लगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगी तो वो जो भी कहेगी बिली उसे दे देगा। कैटरीना कोई प्रोफेशनल किलर तो होती नहीं, इसीलिए वो उसकी बातें सुनकर ब्रेक डाउन कर जाती है। तभी मौका देखकर बिली उस पर हमला कर देता है और उसकी गन को नीचे फेंक कर वहां से भाग जाता है। यहाँ कैटरीना गन लेकर उसके पीछे पे जाती है, लेकिन एक समय पर वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो बिली उसे कहीं पर दिखाई नहीं देता। आगे जाने पर उसे एक फोटोग्राफर मिलता है जो बहुत पहले मर चुकी थी और कैटरीना ने उसकी मौत का आर्टिकल भी पढ़ रखा था। उसे समझ आ जाता है कि यह मौत की मैसेंजर है और उसे समय की वार्निंग देने के लिए आई है। वह फोटोग्राफर उसे टाइम के बारे में याद दिलाकर फोटो खींचने लग जाती है। कैटरीना उसे पूछती है कि क्या कर्ज चुकाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो वो कहती है कि आत्मा के बदले आत्मा यह कर्ज चुकाने का तरीका है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसकी आत्मा का बलि देना चाहती हो। उसकी बातें सुनकर कैटरीना कहती है कि अगर मैं खुद को मार दूं तो क्या कर्ज से फ्री हो जाऊंगी। वो फोटोग्राफर कहती है कि हाँ, पर जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि सनसेट होने ही वाला है। अब इसके बाद कैटरीना अपनी बेटी क्लारा के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। उसे कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया बस तुम्हें बचाने के लिए किया। इतना कहती ही पीछे से बिली आता है और कैटरीना को वीडियो रिकॉर्ड करते समय पत्थर मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसकी गन ले लेता है और जब कैटरीना को होश आता है तो वो पैरों में छुपाए हुए चाकू से अपना गला काटने लगती है, क्योंकि अब उसके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। बिली उसे इस तरह से अपना गला काटता हुआ देखकर डर जाता है। तभी अचानक से एक रैटल स्नेक आकर बिली को काट लेता है और यहाँ पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब कैटरीना जैसे तैसे करके नीचे पहाड़ी के जाती है और बिली से माफी मांगकर सूरज ढलने से ठीक पहले उसका गला काटकर मार देती है। वहां से बाहर आने पर वो देखती है कि वो मिस्टीरियस लेडी और उसके भेजे हुए सभी मैसेंजर यानी कि वो लोग इस तरह से अपना कर्ज चुकाते समय मारे गए थे, वो वहां पर खड़े हुए थे। फिर कैटरीना बिली की गाड़ी में आग लगा देती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है जिसमें डॉक्टर बताते हैं कि अब तुम्हारी बेटी की हालत में पहले से ज़्यादा सुधार हो गया, इसलिए तुम उसे घर ले जा सकती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और सीधा होटल जाकर खून से लथपथ कपड़ों को चेंज करती है और गले पे लगे घाव पर बैंडेज लगाकर हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ वो क्लारा को ड्राइंग करते हुए देखती है। तब अचानक उसकी नज़र एक ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें क्लारा ने उसी औरत की ड्राइंग बनाई थी जिसने उसे बचाया था। अब अगले दिन सुबह होती है, दोनों वहां से निकल जाती हैं। कुछ दूर आगे जाने पर टेक्सास के उसी हाईवे पर उसे बिली की आत्मा नजर आती है। कैटरीना कंफर्म करने के लिए क्लारा से पूछती है कि क्या तुम्हें भी वो आदमी दिखाई दिया, तो क्लारा कहती है कि हाँ। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।